नमस्ते एवरीवन, कुकृत बिंदु में आप सबका स्वागत है। और आज से मकर संक्रांति 15 जनवरी हम लोग कल भी मनाए थे तो आज भी मना रहे हैं। हम लोगों ने मकर संक्रांति में क्या क्या बनाया उसका रेसिपी आपको शेयर करेंगे। सबसे पहले पाटी सप्ता, ये साथ कल को बनाया था। पाटी सप्ता के लिए हमने चावल को भिगा दिया है। उसके बाद हमने उस लिक्विड में जब चावल को पीस दिया ग्राइंडर में, उसमें थोड़ा सा नमक देके इसको हमने फिर रख दिया है 1 घंटे के लिए। देखिए मेरा लिक्विड रेडी हो गया है पाटी सप्ता के लिए। और ये जो साइड में आप देख रहे हो पूर, वो मैंने आपको इसका वीडियो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। पूर नारियल का है मेरा, नारियल तिल और जैगरी का। और ये पाटी सप्ता का लिक्विड में हम इलायची और ब्लैक पेपर डाल रहे हैं। हम इसमें चीनी एंड ऑल यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी अंदर का पूर मीठा है तो ज़्यादा मीठा हो जाएगा। इसीलिए मेरा यहाँ पे तवा में तेल लगा दिया है। अब हम इसको लिक्विड को डोसा की तरह फैलाएंगे। और ये वाला मेरा पूरा ख़राब हो गया था, फिर भी मैंने सूट करके डाल दिया ताकि सब पहले बार बनाते वक्त परफेक्ट नहीं बनता है, कभी कभी ख़राब हो जाता है। क्योंकि ये जो तवा का टेम्परेचर था वो एकदम सही नहीं हुआ था पहली बार, तो इसीलिए मेरा ये पूरा पोपट हो गया था। आप लोग देख सकते हो, ये मैंने कोलकाता में सीखा है मेरी लैंडलॉर्ड आंटी जी और स्वामी जी से। थैंक यू बोथ ऑफ़ यू, क्योंकि ये हम लोग का यहाँ पर नहीं बनाया जाता है। तो मैंने तो कोलकाता में खाया था, तो मैं घर वाले के लिए बना रही थी उन लोगों को टेस्ट करवाने के लिए। देखिए मेरा पूरा पोपट हो गया है, यहाँ पे पूरा चिपक गया नीचे। एक तो चावल का आटा और ऊपर से तवे का टेम्परेचर सही नहीं हुआ था तो ये ख़राब हो गया मेरा। ख़राब तो हमने ये खा लिया बट शेप सही नहीं आया, ऐसा हो गया था। तो फिर इसको निकाल दिए, उसके बाद से मेरा बहुत अच्छा बना है क्योंकि वो तवा का टेम्परेचर है सही हो गया था उसके बाद से। डोसा की तरह वो लिक्विड को अच्छे से आस्ते आस्ते फैलाना है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे पूर। एक्चुअली हम एक हाथ से कैमरा पकड़े थे और एक हाथ से खुद से बना रहे थे तो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था क्योंकि शूट भी करना था हमको और बनाना भी था, फिर भी हो गया। ये देखिए ये अच्छे से हो गया है। ऐसे करके मैंने पूरा बना दिया है। मैंने सबको बहुत अच्छा लगा था घर में क्योंकि मम्मी पापा दादी वो लोग पहले कभी नहीं खाई थी, ये पहली बार खाई थी तो उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगा था। और मेरा मतलब मेरा जो मेहनत था वो भी सफल हो गया था, उन लोगों को अच्छा लगा। तो देखिए मेरा पाटी सप्ता रेडी हो गया है। जो बिगिनर से मेरी तरह वो भी बना सकता है, उतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। देखिए परफेक्ट बना था और खाने में भी बहुत अच्छा बना था। और ये है सैटरडे सवेरा का। सैटरडे सवेरा हम आज का दिन का ही, ये है बादाम का चिक्की के लिए। बादाम रेडी रखे हैं, मम्मी ने बादाम को रोस्ट करके उसका छिलका निकाल के रख दी थी। और ये है सफ़ेद तिल, बहुत जन काला तिल का लड्डू बनाते हैं और हम लोग बनाते हैं सफ़ेद तिल का। हम तिल को थोड़ा रोस्ट करेंगे पहले। यहाँ पे तिल रोस्ट हो गया है। अब हम इसमें गुड़ रखेंगे कढ़ाई में, और गुड़ में हम थोड़ा सा फ्लेवर के लिए घी दिए हैं। हम पाउडर जैगरी यूज़ करते हैं, आप लोग जैसा भी गुड़ यूज़ कर सकते हो। और मैं गुड़ मेल्ट करते वक्त पानी नहीं देती हूँ, गुड़ आस्ते आस्ते करके अपने से मेल्ट होता है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, मैं पानी नहीं देती हूँ। अगर पानी ज़्यादा गया तो वो पूरा ख़राब हो जाएगा, इसीलिए पानी भी दे सकते हो आप लोग। मेरा गुड़ थोड़ा मेल्ट होकर रेडी हो गया है अच्छे से। अब इसको हम थोड़ा देर पकाएंगे, इसका कंसिस्टेंसी चेक करेंगे।
और यहाँ पे हमने प्लेट को घी से ग्रीज करके रख दिया है। हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है बादाम। बादाम ऐड करने के बाद देखिए इसको थोड़ा सा हम चलाएंगे। मेरा ये हो गया है रेडी, तो हम इसको प्लेट में मतलब ट्रांसफ़र करके अच्छे से उसको सेट कर देंगे। ये अभी भी ऊपर रेडी हो रहा है, सेट ही हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने आज सवेरा ही बनाया है तो ये अभी तक सेट नहीं हुआ है। इसको 2 से 3 घंटे रखने से ये अच्छे से निकल आएगा। और सेम कढ़ाई में हम गुड़ ले लिए हैं, इसमें थोड़ा सा घी डाल दिए हैं, क्योंकि अब हम इसमें बनाने जा रहे हैं तिल का लड्डू। जब गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो हम यहाँ पे डालेंगे सफ़ेद तिल। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत जन क्या कर देते हैं, तिल प्लेट में रख के ऊपर से गुड़ भी डाल सकते हैं, तो ज़्यादा बर्तन गंदा होगा तो, या ठंडा भी है तो हम लोग कढ़ाई में ही डायरेक्ट गुड़ में ही डायरेक्ट तिल ऐड कर दे रहे हैं। इसको मम्मी लड्डू बना रही है क्योंकि मैं सूट कर रही हूँ, पॉसिबल नहीं है गरम गरम को लड्डू बनाते बनाते सूट करना, और मम्मी लड्डू बना रही है, हम सूट कर रहे हैं। मम्मी ने बहुत अच्छा लड्डू बनाया था। आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छा बना था लड्डू भी। और ये है हम लोगों का भगवान जी के लिए आज चढ़ाने के लिए, ये है कासावा रूट। कासावा तो डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ कंदमूल को बोला जाता है, तो ये कासावा है। और ये है डिफरेंट दूसरा वैरायटी का कासावा का तिलक। ये हम लोगों का आज के लिए मैंडेटरी है, मकर संक्रांति में हम लोगों को ये सब लगता ही है, ये सब ज़रूरत है। और ये है तिल का लड्डू, ये जाएगा भगवान जी के पास। और मेरा बादाम का चिक्की अभी तक सेट हो रहा है ऊपर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।